नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। लल्लनटॉप की चुनावी यात्रा में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ बाराबंकी से। हाँ जी काजल, बाराबंकी है ना। और काजल से जैसे आपसे पहले ही मुलाकात हुई, हमने सोचा दो मिनट बाद मुलाकात करवाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे आए। और ये जगह बड़ी रोचक है आपके लिए। इस जगह पे एक पारिजात का पेड़ है, कहते हैं वो पारिजात का पेड़ इस दुनिया का, इस धरती का सबसे पहला पारिजात का पेड़ है। क्यों है, क्या है, आगे पता चलेगा। चलते चलते काजल से मुलाकात हो गई। हम लोग आ रहे थे गोंडा से, बाराबंकी जा रहे थे, तो रास्ते में रामनगर पड़ा, तो विभव ने कहा कि यहाँ पे एक पारिजात का पेड़ है, तो हम लोग सोचे कि पारिजात का पेड़ देखते चलते हैं। पारिजात का पेड़ देखने आए, मिल गई काजल। काजल हैं कितने साल की, कितने साल की? 13 साल की। अभी आप 13 साल बता रही थी। 13 साल। पता नहीं कितने साल की हैं? पता नहीं है, हैं? पता नहीं। जन्मदिन कब आता है आपका? हमारा जन्म, हाँ, 13 साल। जन्मदिन कब आता है? जन्मदिन नहीं होता इसका। जन्मदिन नहीं मनता आप? जन्मदिन नहीं मनता आपका? नहीं। अच्छा जी, तो ये बताइएगा क्या कर रही हैं यहाँ पे काजल आप? प्रसाद बेचते हैं, फोटो बेचते हैं। किस चीज़ के लिए प्रसाद बेचती हैं? प्रसाद मिश्री का है। मिश्री का प्रसाद है, अच्छा जी। और क्या पढ़ाई करती हैं कि नहीं काजल? करते हैं। किस क्लास में? कक्षा 4 में है। कक्षा 4 में, तो कक्षा 4 में कविता विता सिखाया जाता है। कविता याद है आपको कोई? कोई कविता याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? हमको नहीं याद अभी, इतना हमको नहीं याद है। अच्छा जी, आइए बताइए क्या क्या है। ये प्रसाद कितने का है? ये 20 रुपए का है। और ये वाला 51 का है, ये भी 51 का है, ये वाला 10 का है। ये 20 वाले और 51 वाले में क्या अंतर है? इसमें कम प्रसाद है, इसमें ज्यादा है थोड़ा। और ये फोटो वोटो किस किस चीज का है, क्या है ये? ये पारिजात का फोटो है। अच्छा, जो अंदर है पेड़ ना। अच्छा, कल्प वृक्ष पारिजात इस पे लिखा हुआ है। ये कैसा, दो तरह का फोटो है इसमें? हाँ, 6 महीना सूखा रहता है पेड़, 6 महीना हरा। 6 महीना सूखा रहता है, 6 महीना हरा रहता है। अच्छा, तो ये सूखा वाला है, ये हरा वाला है। हाँ जी, तो ये कितने में ये बिकता है ये फोटो? 20 रुपए में। अच्छा, बिकता है 20 रुपए में। अच्छा जी, तो ये बड़ा वाला फोटो इसका? ये 30 का बिकता है। अच्छा, ये 30 का बिकता है। अच्छा, और भगवान वाले 50 के बिकते हैं। भगवान वाले 50 के बिकते हैं। और ये कौन है, ये कौन है? जगजीवन साहब कोटवा धाम के हैं। जगजीवन साहब कोटवा धाम, ये कौन थे? जगजीवन साहब, इनके बारे में पता है कौन थे ये? ये हमको नहीं पता, हम जानते हैं। आपको नहीं पता। और ये क्या है, ये किताब जो है? ये किताब में पूरी कहानी लिखी पारिजात के बारे में। अच्छा, इस पेड़ की कहानी लिखी है। अच्छा जी, श्री राम नारायण दास जी साकेतवासी महंत गोपाल दास जी की किताब है पारिजात, कोई धाम टाइप का बन गया है यहाँ पे, पारिजात का पेड़ कहा जाता है। हम लोग अंदर चलेंगे, अब आपसे बातचीत करेंगे। काजल का हम शुक्रिया करते हैं, काजल का अंदर चलेंगे, बातचीत करेंगे कि बस पारिजात के पेड़ की क्या कहानी है, क्या मान्यता है। और लोग जैसे हम दिखाएंगे आसपास कितने सारे लोग आए हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, कई सारे लोग दर्शन करने घूमने फिरने आए हुए हैं, पूरा बाज़ार लगा हुआ है, मजमा लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, आइए देखते हैं। हाँ जी, तो हम लोग काजल से बातचीत कर रहे थे, अब अंदर आ गए हैं, तो हमारा सामना हुआ है एंटी रोमियो स्क्वाड। बड़े दिन बाद सुनाई दिया, योगी जी जब यूपी के सीएम बने तो बना दिए एंटी रोमियो स्क्वाड। अब हुआ था बवाल, किसी न किसी लड़के लड़की को उठा के जेल में बंद करना, पीटना, डराना, ये सब होता था, खबरें आती थी, फिर एंटी रोमियो स्क्वाड खबर से गायब हो गया। सामने ये पारिजात का पेड़ जिसके पहले हम दिखाएं, इसके पहले ये स्वर्ग से उतरा एक वृक्ष पारिजात का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें जिलाधिकारी बाराबंकी ने कुछ ज्ञान दिया है कि वृक्ष का तना 10 मीटर मोटाई का है, अगस्त के महीने में सफ़ेद रंग के फूल होते हैं जो सूखने के बाद सुनहले हो जाते हैं। पारिजात वृक्ष के पुष्प दर्शन से ही मानव कल्याण की अनुभूति प्रकट होती है। बहुत कठिन कठिन बातचीत लिख दी है जिलाधिकारी साहब ने। और ये सामने, जैसे हम विभव से कहेंगे थोड़ा अंदर चले आएँ, तो पारिजात का वृक्ष दिखा सकेंगे जिसकी हम बातचीत करने हैं यहाँ पे आए हूँ। सेल्फी वेल्फी लिया जा रहा है यहाँ पे। और बाबा जी बैठे हुए हैं जिनसे हम लोग को बातचीत करने की परमिशन मिली है। जूता उता उतार के चढ़ना होता है इस पे, है ना बाबा जी? जूता उतार के चढ़ना होता है ना इस पे। क्या नाम है आपका? राम सजीवन दास। राम? राम सजीवन दास। राम सजीवन दास जी, तो राम सजीवन दास जी, इस पेड़ के बारे में बताइए जरा सा, कितना पुराना है ये पेड़? ये 6673 साल का पेड़ हो चुका है। 6673 साल हो चुका है। महाभारत पहले अंतिम द्वापर का। हाँ जी, महाभारत के पहले अंतिम द्वापर का है। महाभारत के पहले अंतिम द्वापर का। अच्छा जी, आइए हम लोग पेड़ का चक्कर काटेंगे एक बार आपके साथ, आइए। हाँ राम सजीवन दास जी, ये बताइए इतना चुनरी उनरी क्यों बंधा हुआ है इस पे? ये चुनरी कोई बांध मन्नत नहीं मिलती है। हाँ?
ये चुंदरी कोई बांध मन्नत नहीं मिलती है। पारजात के नीचे हनुमान जी का निवास है, हनुमान जी के निवास में कोई बांध नहीं सकता है। केवल रावण परिवार में बर्म फांस में फंसा है तो देखो कोई पानी तक देवा नहीं रहेगा, इसलिए फेरी परिक्रमा करके मन्नत मांगो को मिलता है। अच्छा, फेरी परिक्रमा करते मन्नत मांगते हैं इसलिए बांध देते हैं चुनरी। हाँ, वो मिलता है, फेरी परिक्रमा करके मन्नत मांगो मिलता है, बांधने से मेहनत मिलता है। अच्छा, बाबा जी बता रहे हैं कि बांधने से नहीं मिलता है। पारिजात के नीचे हनुमान जी का निवास है, हनुमान जी के निवास पे कोई कुछ कपड़ा अपड़ा नहीं बांध सकते आप, तो आप परिक्रमा करके आइए, कुछ भी मांगिए आपको मन्नत वो पूरी होगी। हैं, ये पूरी होगी। ये बाबा बनारस के, ये जो यज्ञशाला बनवाए हुए हैं बनारस के हैं, यज्ञशाला जो बना है बनारस के हैं। हाँ, इनके चेला के लड़का नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ मानदान किन की हमारे चेला लड़का हो जी, तो एक चेला उनके दो लड़के जोड़ियन के साथ के भी। अच्छा, तो उधर यज्ञशाला बनवाए गए हैं। अच्छा जी, तो आइए बाबा जी। तो बाबा जी बता रहे हैं कि पीछे की यज्ञशाला है, कि यहाँ पे एक बाबा जी अपने बनारस के कोई बाबा जी थे, उनके चेले को लड़का नहीं हो रहा था, तो वह यहाँ के मान्यता माने मन्नत मनाए, तो उनकी मन्नत पूरी हो गई और उसके बाद अब आगे आके यज्ञशाला बनवाए मन्नत पूरी होने पर। बाबा जी पेड़ के बारे में बताइए, पेड़ अभी इसमें सूखा लग रहा है, कब फूल लगता है इसमें? जून जुलाई से हरा भरा होता है तब से फूल पत्ती आ जाती है। जून जुलाई से हरा भरा हो जाता है, फूल पत्ती आ जाती है। आइए और ये बताइएगा कि इसके बारे में कहा जाता है कुंती ने शायद लगाया था ना इसको। ये महाभारत पहले अंतिम द्वापर का है, अर्जुन को लाया हुआ है, इंद्र के नंदन वन से लाए हुए हैं, बाण द्वार से बाण द्वार लगाए हुए हैं। भारत के युद्ध के पहले का है। हाँ, अच्छा, अर्जुन ने लाया था इसको। हाँ, इसकी जड़ पताल तक है, 6 महीने हरा भरा, 6 महीने पतझड़ रहता है। 6 महीने हरा रहता है, 6 महीने पतझड़ में रहता है। हाँ, समुद्र मथन हुआ है, 14 रत्न का एक रत्न है। अच्छा, 14 रत्न में से एक रत्न से निकला है। इसी का फूल कुंती माँ जब शंकर जी का चढ़ाए तब महाभारत 5 पांडवों को विजय हुआ है। अच्छा, इसका फूल कुंती ने चढ़ाया शंकर जी को, उसके बाद महाभारत में विजय हुई। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि हम लोग कहीं पढ़ रहे थे कि जब कुंती को और पांडवों को जब अज्ञातवास दिया गया, तो कुंती जो पहला अज्ञातवास में आए वो लोग, कुंती ने पारिजात का पेड़ लगाना चाहा, तो ये उसका कहते हैं इसका बीज शायद स्वर्ग से टपका था। अब बताए तो गए, इसका बीज स्वर्ग से कहाँ टपका है? नहीं नहीं, हम लोग पढ़े इसलिए आपसे जानना चाह रहे हैं ना। पढ़े तो कहा कहूँ, बादल बरसा थे। अच्छा, बादल बरस रहा था जी, इसका बीज नहीं है जी। जी, एक सेकंड, क्या नाम है सर आपका? नाम बता दीजिएगा फिर से। मनोज दास जी, हाँ बताइए। ना तो इसका श्रापित लगा हुआ है इंद्र का, ना तो इसका बीज हो सकता है, ना दूसरा इसका कलम हो सकता है। इसका श्राप लगा हुआ है इंद्र का जी। क्यों, ऐसा श्राप क्यों दिया? श्राप दे दिए थे कि इसको ना दूसरा पौधा हो सकता है, बीज हो सकता है, ना दूसरा कलम हो सकता है। अच्छा जी, इसलिए मैंने अपने तरह का इकलौता पेड़ पूरी धरती पर है, इसलिए कलमहीन हो गया, बीजहीन हो गया, ये ना कलम हो सकता है ना बीज हो सकता है, इंद्र का श्राप लगा हुआ है। इससे मैंने इसको ले कलम या बीज लगाए कुछ भी ले आके बो नहीं सकते आप, कोई दूसरा पेड़ इस तरह का नहीं उगा सकते। अमेरिका से डॉक्टर आए लेकिन इसका लगा नहीं सके। श्राप क्यों दिया था इंद्र ने, इसकी कहानी पता है क्या? ये जो इंद्र से युद्ध करके अर्जुन ने लेके आए थे। अच्छा, युद्ध करके लेकर आए थे अर्जुन और कुंती को दिया था उन्होंने। हाँ जी, स्वर्ग से लेके आए थे ना। अच्छा, इंद्र के नंदन वन से। हाँ, तो वहाँ से जीत के लेके आए थे पांडव लोग। अच्छा, इंद्र से, इसलिए इंद्र ने श्राप दे दिया था इस चीज को लेकर जी, जो कि फलहीन हो जाए। फलहीन हो जाए जी। अच्छा, पारिजात का पेड़ हम लोग देखते हैं बहुत ऊंचाई नहीं होता है, जो हम लोग बाकी शहरों में देखते हैं पारिजात का पेड़, उसकी ऊंचाई बहुत छोटी होती है, ये इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है दूसरे पारिजात के पेड़ की अपेक्षा। ये तो अर्जुन का लगाया हुआ है ना, इसलिए ये पुरानी धरोहर है, इसकी प्रतिक्रिया अलग है। वैसे लगा तो रखे सब, लेकिन बाण द्वारा लगाया गया है, ये अर्जुन लगाए, ये बाण द्वारा लगाया जी। अच्छा, बीच में सफ़ेद सा पाइप कैसा लगा हुआ है, सफ़ेद सा पाइप प्लास्टिक? फुहारा के लिए लगा हुआ है। अच्छा, नीचे से पानी फुहारा देते हैं आप लोग? धोने के लिए। धोने के लिए दिन भर में कितना धुलाई या पानी होने दिया जाता है इसको? जब गर्मी ज़्यादा होती है तो दिन भर में देना पड़ता है 1-2 बार। अच्छा जी, शाम के टाइम देना पड़ता है, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, सुबह के टाइम। कितने देर पानी चलाना पड़ता है आप लोग को? 2 घंटा। 2 घंटा। अच्छा, हम लोग बाहर आ रहे थे तो बाहर प्रसाद वसाद बिक रहा था बड़ा, प्रसाद वसाद इतना क्यों बिक रहा है, क्या कोई पता है ना, सब मानता करते हैं, जो उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। पेड़ को प्रसाद चढ़ता है जी? अच्छा, पेड़ को प्रसाद चढ़ के मनोकामना उनका की जाती है। आप लोग ये दर्शन वर्शन करने आए हैं यहाँ पे? हाँ जी, दर्शन। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, कहाँ से आए प्रदीप जी? लखनऊ से। लखनऊ तो, लखनऊ तो बहुत दूर तो नहीं है यहाँ से? राजीपुरम। राजाजीपुरम से। राजीव जी, राजाजीपुरम से। अच्छा जी, तो ये बताइएगा कि लखनऊ से आप यहाँ पे आ गए, क्या क्या सोच के आए थे, क्या क्यों, कोई मन्नत थी, कोई कुछ मन्नत पूरी हुई या कोई मन्नत करनी है, कुछ था कैसा? दर्शन करने के लिए आए यहाँ पे। दर्शन करने चले। क्या नाम है सर आपका? मनोज मेहरोत्रा। मनोज मेहरोत्रा साहब,
कहाँ से आए हैं आप? फर्रुखाबाद से। हाँ, फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से आए हैं। तो फर्रुखाबाद से आप यहाँ चले आए, आपके आने का क्या प्रयोजन था? दर्शन पूजा ऐसा ही? सिर्फ दर्शन करने। सिर्फ दर्शन करने चले आए। कहानी वानी पता है आप लोग को इस पूरे पेड़ की? पता है। पने यूपी में फेमस है क्या ये पेड़ ऐसा है? पूरे हर जगह फेमस है। एकलौता पेड़ है पूरे विश्व में, एकलौता पेड़ ऐसा है। मान्यता ये है कि, नाम बता दीजिएगा अपना। हमारा नाम अंकित गुप्ता है। मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन के समय पे इसका प्राकट समुद्र से हुआ था। एक बता रहे थे कि समुद्र रत्न मंथन से निकले रत्नों में से एक है ये। जी हाँ। अच्छा, ये बड़ा मंदिर वंदिर है अंदर, ये सब कब बना? ये सब तो इधर ही बीच का होगा, बहुत पुराना। कम से कम 200 साल, 250 साल पुराना मंदिर है। 250 साल पुराना मंदिर है? नहीं नहीं, बाबा जी तो बता रहे थे 30-35 साल पुराना है। पेड़ के बारे में तो आप सदियां बीत गई। इसके पेड़ तो 6600 साल पुराना है, मंदिर तो 30-35 साल ही पुराना है, लोग बता रहे हैं। पहले छोटा मंदिर था। हाँ। जो पिताजी वगैरह बताते थे, छोटा मंदिर था। और अब इसको भव्यता दिया गया 40-45 साल के बाद। और इससे पहले यहाँ मंदिर था। उसके पहले यहाँ मंदिर था, लोग ये दावा हुआ करते हैं कि मंदिर था। तो ये एक छोटी सी कहानी हम आपके लिए लेकर आए अपनी लल्लनटॉप चुनाव यात्राओं के दौरान, कि एक पेड़ है जहाँ पे जो 6673 या 6000 ऐसा ही कुछ 7000 के आसपास, 7000 सालों के आसपास पुराना है, महाभारत के युद्ध के पहले का कुंती का लगाया हुआ पेड़ है, अर्जुन का लाया हुआ फूल है, नंदन वन से, इंद्र के नंदन वन से कहा जाता है। इस कार्य मान्यताएँ ऐसी है। पारिजात के पेड़ छोटे होते हैं, अपने ये काया में काफ़ी बड़ा है, पानी देने और पानी इसको जिंदा रखने की व्यवस्थाएं हैं। कुछ महीनों बाद मूल आए, इसमें फूल आएंगे, कुछ पत्तियां हरी दिखने लगी हैं, नई पत्तियां, पतझड़ में शायद पत्तियां झड़ गई हैं। अब हर जगहों के साथ ऐसा होता है कि पौराणिक जगहों पे मंदिर बना दिए जाते हैं, पूरा धंधा और पूरी इस पूरी परिपाटी चल निकलती है कि वहाँ से कुछ लोग जिंदा रह सकें, कुछ लोग कमा सकें, खा सकें। तो लल्लनटॉप की चुनावी यात्रा में हम आपके लिए ऐसी रोचक किस्से लेकर आते रहेंगे आपके लिए ऐसे। तब तक के लिए देखते रहिए lallantop.com। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लनटॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।